गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द फर्स्ट लाइन इज माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज डैश, यानी आप अपनी बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखेंगे. फिर ही इज अ बॉय, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बॉय है यानी कि वो बॉय है तो आप ही का यूज़ करेंगे, अगर गर्ल है तो शी का यूज़ करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट ही इज़ स्टडी इन क्लास सेकेंड, वह सेकेंड क्लास में पढ़ता है, अगर गर्ल है तो शी स्टडी इन क्लास सेकेंड. ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा ही क्लासमेट है. ठीक है, ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. ही इज़ फेवरेट कलर इज ग्रीन, हिज फेवरेट कलर इज ग्रीन, अगर वो गर्ल है तो शीज फेवरेट कलर इज ग्रीन. We both play in the park. हम दोनों पार्क में खेलते हैं. He helps me in my studies. वो मेरी studies में help करता है. We both are love to eat ice cream. हम दोनों को ice cream खाना बहुत पसंद है. I love my best friend. मुझे अपने best friend से बहुत love है. तो देखिए, ये आपका essay जो है इसे आप ध्यान से करेंगे. जब बॉय है आपका फ्रेंड तो सभी जगह ही का यूज़ करेंगे, एच ई ही. अगर गर्ल है आपकी फ्रेंड, यहाँ पर आप गर्ल का नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे, यानी एस एच ई शी. तो कोई भी बच्चा इस तरह से नहीं लिखेगा. आपको कैसे लिखना है अपने फ्रेंड, अगर आपका फ्रेंड बॉय है तो जहाँ जहाँ ही एंड शी लिखा है वहाँ ही का यूज़ करेंगे. अगर आपकी फ्रेंड गर्ल है तो आप शी का यूज़ करेंगे. क्लियर है? बाकी वी बॉथ है तो ये वी ही आएगा, यानी हम दोनों. यहाँ भी वी बॉथ है तो यानी हम दोनों. यहाँ पे आई है तो आई ही आएगा. बट जहाँ पर ही एंड शी है वहाँ पर आप बॉय एंड गर्ल का ध्यान रखेंगे. ठीक है, थैंक यू.